हेलो स्टूडेंट्स, आज है 8 अगस्त 2018 और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन और करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। मैं करंट अफेयर के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं, तो उसको भी ध्यान से सुनिए और नोट करिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अपने योजनाओं का फीडबैक लेने हेतु ब्लॉक स्तर पर लोक कल्याण मित्र की नियुक्ति की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में जितना भी योजना चल रहा है उसी का फीडबैक लेने के लिए लोक कल्याण मित्र की नियुक्ति की गई है। ये लोग जो है गांव-गांव में जाकर सरकारी योजनाओं के सच का पता लगाएंगे कि इस योजना का लाभ गरीबों को कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसका जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश आंसर है इसका, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें जान जाइए जितना जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर हैं राम नाइक, कैपिटल लखनऊ। लोकसभा सीट की संख्या है 80, राज्यसभा सीट की संख्या है 31, विधानसभा सीट की संख्या है 404, जिसमें से एक सीट राज्यपाल नॉमिनेट करता है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग पूरे 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये मैं खुशी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हम लोग 25,000 सदस्य हो चुके हैं एक्चुअल में। उम्मीद है अगला टारगेट मैं 50,000 का रख लूँ। आप जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 2,500, 2,500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। आप इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए और हमारे मेहनत को सफल करिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DMK के अध्यक्ष M करुणानिधि का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पे DMK जो देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये एक पार्टी है तमिलनाडु में, उसके अध्यक्ष थे ये करुणानिधि, ठीक है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तमिलनाडु के, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के, ये भी ध्यान में रखिएगा। 13 बार विधानसभा सीट पर लड़े हैं और पूरे के पूरे 13 बार ये जीत चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 3 जून 1924 को नागापट्टिनम तमिलनाडु में। ये 50 से अधिक तमिल फिल्मों के संवाद एवं पटकथा लेखक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, ठीक है, तमिलनाडु। अब इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है नेंजुकु नीति, जो कि राजनीतिक से प्रेरित है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के CM हैं E.K. पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। लोकसभा सीट की संख्या है 39, राज्यसभा सीट की संख्या 18, विधानसभा सीट की संख्या 235। यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध फोक डांस है जिसको लोक नृत्य बोलते हैं हिंदी में, भरतनाट्यम और कोलाट्टम, ये दोनों के दोनों लोक नृत्य तमिलनाडु के हैं। मुडुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने पेप्सिको में 12 साल तक CEO पद संभालने के बाद अक्टूबर में पद त्यागने की घोषणा की है? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर 12 साल से थे पेप्सिको के, ये कौन है? इंदिरा नुई, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये पेप्सिको के CEO और चेयरमैन दोनों हैं, लेकिन CEO का पद ये अक्टूबर में त्याग देंगे, लेकिन 2019 तक चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। पेप्सिको कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। पेप्सिको कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए ऋतु बंधु लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड नामक योजना लॉन्च की है? तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस इंश्योरेंस योजना के तहत राज्य भर में लगभग 28 लाख किसानों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाएगा। तेलंगाना, ऑप्शन डी राइट आंसर। तेलंगाना के CM हैं चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा, कैपिटल है हैदराबाद। लोकसभा सीट की संख्या तेलंगाना में 17, राज्यसभा सीट की संख्या 7, विधानसभा 119। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खाड़ी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की वजह से सऊदी अरब ने किस देश के साथ अपने व्यापार को स्थगित कर दिया है? कनाडा के साथ। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, खाड़ी देश जो आंतरिक मामलों से जूझ रहे हैं अपने, उसमें हस्तक्षेप किया था कनाडा ने, जिसकी वजह से कनाडा के साथ सऊदी अरब ने अपने व्यापार को स्थगित कर दिया है। इंग्लिश में फ्रीज बोलते हैं, फ्रीज कर दिया है। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेउ। ठीक है, अब सऊदी अरब के बारे में जान जाइए। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, यहाँ के किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान और यहाँ की करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PMKSY के तहत कितने प्राथमिक सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? यहाँ पे आप जो PMKSY देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसके तहत 99, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 99 प्राथमिक सिंचाई परियोजनाओं का के लिए समझौता किया गया है नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के द्वारा। आप यहाँ पे नाबार्ड दिख रहा है, नाबार्ड के बारे में जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है उसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है इसके हर्ष कुमार भानवाला। तो नाबार्ड से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में हमेशा पूछते रहता है, तो नोट कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो कि चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा, लोकसभा 25 है, लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट की संख्या 11, विधानसभा सीट की संख्या 176। फोक डांस यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी। नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मृगवानी नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 25 हवाई अड्डों सहित 5 बंदरगाहों पर कितने देशों के नागरिकों के लिए ई वीज़ा सुविधा प्रदान की है? 165 देशों के नागरिकों के लिए ये ई वीज़ा सुविधा प्रदान की गई है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। साथ ही में भारत सरकार ने इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान भी लॉन्च किया तथा 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है। किसने ये शुरू किया है अभियान इनक्रेडिबल इंडिया 2.0? जो पर्यटन मंत्री हैं भारत के KJ अल्फोंस। इतना चीज जान जाते हैं आप इस क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा लिथियम संपन्न एक विशाल सितारे की खोज की है? चीन के वैज्ञानिकों ने। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये जो सितारा है इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, 1.5 गुना ज़्यादा है और यह पृथ्वी से 4500 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की दूरी पर है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने लिथियम संपन्न एक विशाल सितारे की खोज की है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, यहाँ की करेंसी का नाम है युआन रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बताता हूँ वो डेली के डेली रिपीट होते रहता है, तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने 2 अगस्त को पारित किया था बिल और उसके 4 दिन बाद 6 अगस्त को राज्यसभा ने भी इस बिल को पारित कर दिया है। अब इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा यह बिल। लोकसभा में 5 अप्रैल 2017 को 123वां संशोधन के तहत पेश किया गया था। यह बिल जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 123वां संशोधन के तहत यह बिल पेश किया गया था अप्रैल में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाइए, जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछता है। लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 सीटें हो सकती हैं, फिलहाल में 545 सीट हैं। लोकसभा जो होता है सदन का निचला सदन होता है, इसके अध्यक्ष इस वक्त सुमित्रा महाजन है। ठीक है, 545 सीट में से 2 सीट जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन से। राज्यसभा के बारे में जान जाइए, राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 सीट हो सकता है, इस वक्त 245 सीट है। इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इस वक्त राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, इसमें से 12 सीट जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट करता है, 12 सीट।
तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्स में, सीट के बारे में पूछ देता है, कोई 552 मरता है, 545 मरता है। लेकिन अगर इस तरह एग्जाम्स में पूछे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं, तो आपको 552 मारना है। अगर पूछ दे कि इस वक्त कितनी सीटें हैं, तो आपको 545 करना है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। उसी तरह ये भी है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ दे सीट कितना हो सकता है राज्यसभा में, तो 250, इस वक्त कितना है, तो 245। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कितने राज्यों में सबसे ज़्यादा एचआईवी की घटनाएं हुई हैं। 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा एचआईवी की घटनाएं हुई हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तीनों स्टेट कौन है वो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख लीजिए। ये तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा एचआईवी की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे इंजेक्शन से अधिक मात्रा में ड्रग लिया जाता है, तथा असुरक्षित यौन संबंध में अप्रत्याशित यहाँ पे वृद्धि हुई है, जिसके वजह से ये तीनों स्टेट एचआईवी की घटना से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुमाथेंद्र नादिक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थे? वो बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखक थे, कन्नड़ लेखक थे, ये भी ध्यान में रखिए, कन्नड़ लेखक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनके द्वारा जो लिखी गई प्रसिद्ध छंद संग्रह है वो है दंपत्य गीता और पंचभूता। अब चलिए कल जो मैंने क्वेश्चन किया था लास्ट में उसका आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, किस खिलाड़ी ने टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? विराट कोहली है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब जो है विराट कोहली वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट रैंकिंग में एक नंबर पर आ चुके हैं, इसका सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, कुछ तो 25 बोल रहे थे, कुछ 35 बोल रहे थे, लेकिन 30 होगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर था, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य होने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर था। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण इलाकों में 8 जल परियोजनाओं के लिए 722 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है? दूसरा क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैं टारगेट रखा हूँ 50,000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से जल्दी आप पूरा कर दीजिए और एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पर मैं जरूर रिप्लाई करूँगा।